भारत ने अफ़गानिस्तान को आठ विकेट से हराया पंद्रह ओवर शेष रहते हासिल किया लक्ष्य रोहित का शतक वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का दूसरा मैच अफ़गानिस्तान के साथ था अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए दो रन बनाए जवाब में भारत ने 35 ओवर में दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया विश्व कप 2023 में भारत का विजयी अभियान जारी है अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने अफ़गानिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर दो रन बनाए थे कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 रन और अजमतुल्लाह उमरजई ने बासठ रन की पारी खेली थी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने रोहित गेल को पीछे छोड़ा कपिल का रिकॉर्ड तोड़ा जवाब में भारत ने पैंतीस ओवर में दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया कप्तान रोहित शर्मा ने चौरासी गेंदों में 16 चौके और 5 छक्के की मदद से 131 रन की पारी खेली वहीं विराट कोहली छप्पन गेंदों में पचपन रन बनाकर नाबाद रहे उन्होंने पैंतीसवें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाए यह विराट के वनडे करियर का और अर्धशतक रहा वहीं यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में विराट ने पिचासी रन बनाए थे भारत का अगला मैच अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ है भारत को 205 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा कप्तान रोहित शर्मा चौरासी गेंदों में 131 रन बनाकर आउट हुए अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और पांच छक्के लगाए इस विश्व कप में यह भारत के लिए पहला शतक रहा रोहित ने ईशान के साथ एक रन की साझेदारी निभाई थी रोहित को राशिद खान ने आउट किया राशिद को मिली ये दूसरी सफलता रही इससे पहले उन्होंने ईशान को भी आउट किया था भारत को एक सौ छप्पन के स्कोर पर पहला झटका लगा ईशान किशन सैंतालीस गेंदों में सैंतालीस रन बनाकर आउट हुए उन्हें राशिद खान ने इब्राहिम जादरान के हाथों कैच कराया उन्नीस ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर एक रन था रोहित छियासठ गेंदों में एक रन बना चुके थे रोहित ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड रोहित ने तिरसठ गेंद पर अपना शतक पूरा किया वह वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए इस मामले में रोहित ने महान कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया कपिल देव ने उन्नीस गा विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ बहत्तर गेंद पर ही शतक ठोक दिया था भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तिरसठ गेंद में शतक लगाया वह वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित के वनडे करियर का इकतीसवां शतक रहा साथ ही वह विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं उनके नाम इस टूर्नामेंट में सात शतक हैं इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का छह शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा